इस वक्त मैं हूँ गोपद नदी की नव निर्मित पुल पर। आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर पुरानी पुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। आज इस नव निर्मित पुल पर हमारे आने का उद्देश्य है आपको दिखाना कि नेशनल हाईवे 39 के निर्माण में, जो कि पिछले दशक से कार्य इसका चल रहा है, इतनी आखिर उसमें देरी क्यों है और उस देरी की एग्जैक्ट वजह मैं आपको दिखाने आया हुआ हूँ। आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, ये जो नई ब्रिज बनाई जा रही है पुरानी वाली ब्रिज से एक पर्याप्त हाइट पर है, पर्याप्त सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया जा रहा है। लेकिन इस पुल के बनने के बाद क्या अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ में ये पुल रहेगी या नहीं, इसी की बात को मैं दिखाने आपके साथ आया हुआ हूँ। ये लोग, ये देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पर, यह शोल्डर्स है पुल का, यानी कि सेफ्टी है कहीं ना कहीं, और ये सेफ्टी में जंग लग चुका है। जब इसका निर्माण किया गया रहा होगा तो जाहिर सी बात है काफ़ी समय उसको गुजर चुका है। अब ये जो स्टील है ये रस्टी स्टील हो चुकी है, यानी कि इस स्टील में जंग लग चुका है। जंग लगने के बाद, ये तो चलिए बात हो गई शोल्डर्स की, लेकिन आप लोग मेन स्ट्रक्चर में देखिए, मेन स्ट्रक्चर में जो कॉन्क्रीटिंग करने के बाद छोड़ा गया है, पूरे की पूरी स्टील रस्टी स्टील हो गई है। और ये लगभग 2 से 3 वर्ष का समय बीत चुका है कि ये पुल अभी भी कहने के लिए काम को चालू किया गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि काम इतनी ज़्यादा मंद गति से है। अगर इतने मंद गति से चलता रहा तो शायद एकाध दशक और लग जाएंगे इस काम को पूरा होने में। हालांकि ये बड़ी पुल है, दोनों तरफ से इसका निर्माण, प्लेट्स वगैरह आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, ये निकालना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये प्लेट्स पहले एज ए सेटरिंग लगे हुए थे, लेकिन अब सब कुछ निकल करके यहाँ पे काम को चालू किया जा रहा है, लेकिन रफ्तार काफ़ी धीमे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गोपद नदी की यह पुल है, नेशनल हाईवे 39 को लेकर के विभिन्न संगठनों ने, विभिन्न विपक्षी नेताओं ने आवाज़ उठाई है कि नितिन गडकरी जी, आप देश के अच्छे मंत्रियों में आपकी गणना होती है, लेकिन ये नेशनल हाईवे 39 कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट के लिए एक कलंक साबित हुई है। कलंक मैं इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतना धीरे गति से इसका निर्माण हो रहा है, और अगर समय से इस नेशनल हाईवे का निर्माण हो गया होता तो निश्चित रूप से जितनी जाने गई हैं इस नेशनल हाईवे को न बनने के बाद, शायद वो जाने बच जाती, क्योंकि अगर अच्छी रोड होती तो निश्चित रूप से कई सारे सेफ्टी रीजंस बन जाते और लोग जो ख़राब रोड की वजह से अपनी जान को गवा बैठते हैं वो बच जाते, इसलिए मैंने कलंक शब्द का प्रयोग किया। ये नेशनल हाईवे 39 मोदी गवर्नमेंट के इस कार्यकाल यानी कि 2019 से लेकर के 2024 के बीच में बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। लेकिन ये कार्य आखिर किस स्तर से और किस हिसाब से चल रहा है, ये सच्चाई और रियलिटी दिखाने में आपको आज यहाँ पर आया हुआ हूँ। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये पुल अच्छी है लेकिन सही समय पर बन जाए, यही हम सबकी मांग है।